इंडिया के लिमिटेड ओवर्स के सभी मैच तो पहले ही डीडी स्पोर्ट्स पर आते थे, लेकिन अब टेस्ट मैच भी आप सभी डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में देख पाएंगे। लेकिन इसमें एक कैच है, डीडी स्पोर्ट्स सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त में टेस्ट मैच दिखाएगा जिनके घर में डीडी फ्री डिश लगा हुआ है। मतलब अगर आपका डीडी फ्री डिश के अलावा किसी और ऑपरेटर का आपके घर में कनेक्शन है जिसके द्वारा आप टीवी देखते हैं, तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपके टीवी पर वो मैच नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऐसे में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा उस चैनल का। लेकिन अगर डीडी फ्री डिश है जिसकी कीमत पूरी ज़िंदगी भर के लिए मात्र 1200-1300 रुपए में इंस्टॉलेशन हो जाती है, अगर आपके घर में वो लगा हुआ है, तो आपको डीडी स्पोर्ट्स पर मुफ्त में इंडिया का हर टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। पहले कुछ दिन तक इंडिया का हर टेस्ट मैच आता था, उसके बाद बंद हो गए, लेकिन अब प्राइवेट कंपनी भी राइट्स खरीदेंगी और साथ ही साथ डीडी फ्री डिश पर भी डीडी स्पोर्ट्स पर आप इंडिया के मैच देख पाएंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि टेस्ट क्रिकेट की दूरदर्शन पर वापसी हो रही है, वरना दूरदर्शन पर टेस्ट क्रिकेट आता ही नहीं था। यहाँ तक कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी दूरदर्शन पे नहीं आई थी। अब देखने वाली बात होगी, जब दूरदर्शन पे ही आता है, इससे जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके रिवेन्यू पे कुछ हिट जाता है या नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है, डीडी स्पोर्ट्स का कुछ दाम बढ़ जाएगा, वो इस दौरान एडवर्टाइजमेंट से कुछ कमा पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।